आई फील एज एन एक्टर मुझे हर तरीके के रोल करने हैं, बट मेरा फेवरेट जॉनरा हमेशा रोमांस रहेगा. यू नो इश्क विश्क रीबाउंड इज नॉट अ रीमेक ऑफ इश्क विश्क. रोमांस इज समथिंग जो हम देख के बड़े हुए देख के, तो वो थोड़ा ऑलरेडी हम में है इन सम वे या द अदर. तो यस वुड, बट ऑफ कोर्स वुड लाइक टू एक्सप्लोर बेटर रोल्स एंड मोर डाइवर्सिटी with jaise jaise aage badhti jaye zindagi. We're so grateful that we got to take the legacy of this franchise forward. I feel as an actor mujhe har tarike ke role karne hain, but mera favorite genre hamesha romance rahega. So I feel ek taraf main bahut sare different characters aur different genres explore karna chahunga, but at the same time I will always want ki main romance. रोमांस इज समथिंग जो हम देख के बड़े हुए देख के, तो वो थोड़ा ऑलरेडी हम में है इन सम वे या द अदर. तो यस वुड, बट ऑफ कोर्स वुड लाइक टू एक्सप्लोर बेटर रोल्स एंड मोर डाइवर्सिटी विद जैसे जैसे आगे बढ़ती जाए जिंदगी. यस अमिता मैम इज सो स्वीटली रिक्रिएटेड वन ऑफ आवर सॉन्ग्स ऑन हर जो दिल पे लगी, व्हिच वाज रियली हर्स. And we have made a rendition of it, so she made a read on it. It was very sweet. Shahid sir also posted for us many times. Because they're so busy and like we haven't had a chance or the opportunity to speak to them one on one, but we can feel their good wishes always with us, and we're so grateful for that. And we're so grateful that we got to take the legacy of this franchise forward. Remakes ke saath definitely bahut sara pressure hota hai makers pe, actors pe, but hamare upar utna zyada pressure hum feel nahi karte isliye kyunki ये रीमेक नहीं है. यू नो इश्क विश्क रीबाउंड इज नॉट अ रीमेक ऑफ इश्क विश्क. आई थिंक जैसा मैंने पहले बहुत बार कहा है, हमारी जो फिल्म है वो सेम फ्रेंचाइज को बिलोंग करती है, बट इसमें चारों किरदार बहुत अलग हैं, स्टोरीज बहुत अलग हैं. ऑफ कोर्स जो एसेंस है इश्क विश्क का, जो कि प्यार है, कन्फ्यूजन है, और प्यार के साथ जो हज़ार डिफरेंट इमोशंस आते हैं वो सब एसेंस सेम है, बट आई थिंक स्टोरी डिफरेंट है, क्योंकि हमारी स्टोरी जो है वो आज के जनरेशन के ऊपर है, आज के जनरेशन की प्रॉब्लम्स के ऊपर है. आई थिंक 21 साल पहले प्यार की जो परिभाषा थी वो बहुत अलग थी, और आज बहुत अलग है. तो आई थिंक जो हमारी स्टोरी है वो आज के जनरेशन को ज़्यादा आई थिंक रिलेटेबल लगेगी. एंड ऑफकोर्स जब मिलेनियल्स जो पहले की जनरेशन है वो भी जब देखेंगे, जैसे हम खुद एक्चुअली नहीं, हम तो कस्प पे हैं, हम ना मिलेनियल्स हैं हम ना जेन ज़ी हैं, वी आर एक्चुअली इतनी बातें हो गई है प्रेशर की कि अब ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा उसका इफेक्ट आने लगा है. बट नहीं, हमें जितना भी हमने अभी तक रिलीज किया है, टीज़र, बहुत प्यार मिला है, एंड वी आर जस्ट रियली होपफुल कि वो जब फिल्म भी आए तब भी उतना ही प्यार मिले. रोहित, यू आर नेशनल क्रश ऑफ इंडिया, सो डू यू फील कि ज़िब्रान विल टेक दिस टाइटल सून? ही मस्ट. आई थिंक एवरीवन इज क्रशिंग ऑन ज़िब्रान राइट नाउ, एंड आई फील ही इज फुल्ली वर्दी ऑफ बीइंग अ नेशनल क्रश. इसकी बॉडी बहुत अच्छी है, ये दिखता है इतना सुंदर है, एक्टिंग अच्छी करता है, लड़कियों से फ्लर्ट एक नंबर करता है. तो आई डेफिनेटली फील मोस्ट डेफिनेटली यू शुड टेक द टाइटल. गुरु शिष्य. अच्छा अच्छा, सीख रहा हूं रोहित से. ओह माय गॉड, आई वांट टू फर्स्ट नो अबाउट देयर जर्नीज, हाउ दे फील अबाउट यू नो, हाउ हैज इट बीन. आई थिंक इट्स अ फेयर क्वेश्चन टू आस्क ज़िब्रान फर्स्ट, दैट इट्स बीन सच अ लॉन्ग टाइम. हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू डिड कभी खुशी कभी गम? 7 8 7 8 7 8 or 9. Yeah, it's been a long journey. Yeah, first, you talk about your journey. Yeah. You must. नहीं, मैं एक चाइल्ड एक्टर था. मैंने बहुत एड्स किए थे, फिर मैंने 3 फिल्म्स भी की थी, एंड उसके बाद ऑफ कोर्स यू नो, जैसे पहले कहते थे कि अगर एक्टर बनना है तो यू नो छुपा के रखो, क्योंकि वो जितनी बार देखेंगे वो फ्रेशनेस नहीं रहेगी एंड ऑल दैट. हाँ, ये बहुत बोलते हैं जी, ओवर एक्सपोज मत करो. हाँ, ये बचपन, ये पहले आई थिंक पहले ये बहुत बोला जाता था. अमरेश पुरी सर ने मेरे मॉम डैड को ये कहा था, एंड वी डिडंट एक्ट आफ्टर द थर्ड फिल्म आई डिड कॉल्ड रिश्ते.
बट वो जर्नी के बाद बहुत सारी चीज़ें हुई. मैंने शामक दावर के साथ इंस्ट्रक्टर बन गया मैं, फिर मैंने ब्रह्मास्त्र पे एडी बना. उसके बाद एक्चुअली मैम द रियल जर्नी बिगिन पोस्ट ब्रह्मास्त्र, जहाँ पर जो एक्टर की एक आई थिंक प्रतिज्ञा होती है जो करना होता है उनको, जो चीज़ों से उनको गुजरना पड़ता है टू जस्ट गेट योर फर्स्ट फिल्म, आई थिंक वो 3-4 साल उसी में लग गए. कोविड आ गया तो वो जर्नी थोड़ी ऊपर नीचे रही थी. बट जब आज ऐसी इतनी बड़ी फिल्म मिलती है, अ न्यूज़ चैनल लाइक यू इंटरव्यूज अस, आई थिंक इट्स ऑल वर्थ इट मैम. हमको बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत एनर्जेटिक है और हमको ये सब आई थिंक एक ख्वाब है जो हम जी रहे हैं. और थोड़ी नर्वसनेस तो ऑफकोर्स कॉन्स्टेंट है, बट आई थिंक विथ डे एंड विथ एवरी डे वॉट एवर लव वी आर गेटिंग, आई थिंक वो प्यार ही इतना काफ़ी है कि हम थोड़ा थोड़ा यू नो वो एनर्जी मिल रही है कि अगले दिन पे चले जाए, अगले दिन पे चले जाए. आई थिंक पुष्पीना ऑल्सो शी यू नो ये हमें हर इंटरव्यू में बता रही है कि इनका सपना कोई मिल गया से शुरू हुआ, ऑफ बिकमिंग एन एक्टर, क्योंकि वो कोई मिल गया के सेट पे जाती थी. इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम. या सो आई थिंक मैं जब छोटी थी तो मैं और मेरी बहन सुरानिका कोई मिल गया के सेट पे जाते थे, और उन्होंने फिल्म सिटी में एक छोटा सा कसौली बनाया था जो टाउन था कोई मिल गया का, और हमें ऐसे लगता था कि हम कभी घर ही ना जाएं, इधर ही बैठे रहते हैं, यही हमारा घर है, और उस दुनिया में हम भी बस जाते थे. मतलब अगर रोहित बहुत ज़्यादा बॉर्नविटा पीता था तो हम भी पीने लगे. तो वहीं से ही मेरी जो फिल्मों में दिलचस्पी है वहीं से शुरू हुई. फिर जाके हमने स्कूल में थिएटर किया, और फिर हमारी एक बहुत ही अच्छी टीचर थी मिस आमला राय, एंड बिकॉज ऑफ हर डेडिकेशन ऑल ऑफ अस बिकेम, आई थिंक ऑल ऑफ अस इन दैट क्लास बिकेम वेरी वेरी डेडिकेटेड टू एक्टिंग. एंड फ्रॉम देयर कॉलेज हैपेंड, और कॉलेज के बाद थोड़ी इनसिक्योरिटी आ गई उसके मेरे मन में कि क्या मैं एक्टर बन सकती हूँ, क्या मुझे एक्टिंग आती भी है, मतलब स्कूल में थिएटर कर लिया, दैट डजंट मीन आई कैन बी एन एक्टर. सो एक्चुअली आई हैड अप्लाइड टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इन द यूके फॉर मार्केटिंग. आई डोंट थिंक यू गाइस नो दिस. सो आई गॉट इनटू वॉरिक यूनिवर्सिटी, एंड आई एम ऐसा हो गया है कि वीज़ा हो गया है, रूम्स बुक हो गए हैं, सब चीज़ बुक हो गया है. हमारी समर हॉलीडे थी और मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी. मतलब हमारे सारे फ्रेंड्स पार्टीज में जाते थे, दे वुड डू एवरीथिंग, और मैं बस सोती रहती थी आफ्टरनून में. एंड आई वाज वेरी यंग एंड इट वाज वेरी वेरी आई थिंक आई वाज लाइक 19 और समथिंग. आई वाज ऑलवेज इन बेड. तभी मुझे I like to analyze myself a little bit. So I went and I got to the root of the problem and I realized that okay, I'm not. मुझे याद आया कि मेरे फादर ने मुझे बोला था कि एक फनकार को अपना फन बनाना चाहिए हमेशा. तो मैं तो artistically satisfied नहीं हो रही थी marketing में. I don't think I was good for it. तब से ही मैंने एक photo shoot किया actually देखने के लिए कि क्या है कुछ मुझ में. मैंने अपने फादर को दिखाया, मैं अपने ताऊजी को दिखाया, उन्होंने बोला हाँ है, सब में कुछ ना कुछ होता है पर उसको आपको पॉलिश करना है. right. तो तब से ही मेरी मैंने बैक टू बैक एक्टिंग क्लासेस की है, डांस क्लासेस की है. मैं जब छोटी थी तो हमने भरतनाट्यम सीखा था, पर अब सिर्फ भरतनाट्यम से काम नहीं चल सकता. right. आपको और भी तरह के डांस सीखने पड़ेंगे, वो किया है. उसके बाद हमने बैक टू बैक ऑडिशंस देना शुरू कर दिया, और बहुत सारे रिजेक्शंस के बाद बहुत सारी अपने आप को परख के कंटिन्यूसली फीडबैक ले लेके अपनी फैमिली से, आई थिंक काफ़ी सालों बाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला और मुझे ये फिल्म मिली है. और उसकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ. मैं एक दिन नहीं जाता कि जब मैं भगवान को थैंक यू नहीं बोलती, अपने माता पिता को थैंक यू नहीं बोलती उनकी एडवाइस के लिए, उनके सपोर्ट के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मेरी पूरी फैमिली ने, जस्ट इमोशनली. जो सपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण होता है वो इमोशनल सपोर्ट होता है. और जब आज जाके हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है, इतने अच्छे को-स्टार्स मिले हैं, इतने अच्छे प्रोड्यूसर्स मिले हैं जो आप हमारा इतना ख्याल रखते हैं, इतना अच्छा डायरेक्टर मिला है, तो
तो आई थिंक मैं क्या ही बोल सकती हूँ इसके इसके बाद. फन मेमोरीज तो मैम जब हम एक फिल्म शूट कर रहे हैं जो कि एक रोम कॉम है, एवरी डे ऑन सेट इज अ पार्टी. बहुत बहुत मस्ती करते थे, एक दूसरे की टांग खींचते रहते थे हर शॉट के बीच में. कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमें डांट पड़ी है क्योंकि हम हंसना बंद नहीं करते थे शॉट के बीच में. सो आई थिंक एवरी डे वॉज अ पार्टी विद देम. बट आई थिंक वन ऑफ माई फॉन्डेस्ट मेमोरीज टुगेदर विथ माई को एक्टर्स जिब्रान, पश्मीना, नायला इज दैट वी यूज टू ईट टुगेदर. हमको हम साथ में खाना खाते थे. और वो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी के साथ एक एक मील शेयर करते हैं उससे आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती है. और हमने एक्चुअली बहुत मील साथ में खाए हैं. हम सेट पे तो ऑफकोर्स साथ में खाते ही थे, बट इवन आफ्टर पैकअप हम 12 घंटे एक साथ शूट करने के बाद भी वापस होटल जाकर साथ में ही खाना खाते थे. एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ माई मोस्ट चेरिश्ड मेमोरीज फ्रॉम द सेट्स ऑफ. इन दोनों को फोन करती हूँ रोते हुए ये नहीं हो रहा है, ये हो गया वो हो गया. और both Rohit and Jibran at multiple occasions have gone and gone like no Pashmina okay we, and they pacified me, which I find that the cutest thing about both of them. Not once have they gone like अरे तू कितना रोती है यार. I'm pretty sure ये एक दूसरे को बोलते होंगे पर नहीं बोलते यार, नहीं बोलते, इतने भी बुरे नहीं है. they are like my two protectors I feel. Oh, so nice. Yeah, इन दोनों में से वैसे बताएं कोई कि मौता notorious कौन था सबसे ज़्यादा आपकी देहरादून का शेड्यूल खत्म हो चुका था. हम मुंबई आए थे वापस और मुंबई का हमारा लास्ट शेड्यूल था वो, एज इन टॉकी पोर्शन का वो हमारा लास्ट शेड्यूल था. और उस दिन निपुन सर का बर्थडे था, हम जुहू में शूट कर रहे थे. वो शूट के बाद हमने केक वेक काटा और हमने डिसाइड किया कि आज रात को हम पार्टी करने जाएंगे. सो वी वेंट टू दिस प्लेस कॉल्ड फू इन बांद्रा. एंड वहाँ पर जाकर आई डोंट नो हमारी लड़ाई शुरुआत कैसे हुई वहाँ पर. आई वांटेड टू लीव आई थिंक एंड यू वांटेड टू स्टे. ये घर जाना चाहती थी और मैंने कहा तुम अभी नहीं जा सकती, ये बहुत जल्दी है, यू हैव टू बी विद ऑल ऑफ अस. सो वी स्टार्टेड अ फाइट ओवर देयर. हमारा उस 3 घंटे की पार्टी में पहले हमारी लड़ाई हुई, फिर हमारा पैचअप हुआ और इसके निकलने से पहले वापस एक लड़ाई हुई जो कि अगले दिन पैचअप हुआ. सो आई थिंक दिस यूज्ड टू कीप हैपनिंग बिटवीन द टू ऑफ अस. यू बिकम लाइक अ टॉम एंड जेरी फ्रेंड्स. या या बट टॉम एंड जेरी आल्सो लव ईच अदर द मोस्ट. सी देयर इज नो टॉम विदाउट जेरी. आई रेड समवेयर दैट इट इज टॉम एंड जेरी नॉट टॉम वर्सेस जेरी. या या इट्स टॉम एंड जेरी. आई एम द बुलडॉग इन टॉम एंड बिल्कुल नहीं है. बस अभी शांत बैठे हैं, बिल्कुल शांत नहीं है.